हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलेश और मैं आप सबका स्टडी शार्प 360 में स्वागत करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 2019 का ये सबसे बड़ा नोटिफिकेशन RRB NTPC का निकल चुका है। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप RRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। और RRB की ऑफिशियल वेबसाइट आपको सिर्फ RRB अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। और आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ही ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए। अगर आप कहीं और से अगर डाउनलोड करते ये नोटिफिकेशन तो हो सकता है आपको कोई फर्जी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये जो RRB की जो इस साल की वैकेंसीज निकली हुई है NTPC की, मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की, इसमें जो सिर्फ 12th तक पढ़े हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जो ग्रेजुएट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, पर थोड़ी देर में, मतलब आज 1 मार्च है तो 4 बजे के करीब ये जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो एक्टिवेट हो जाएगी। और आप 31 मार्च 2019 तक रात के 12 बजे तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो और इसके लिए आपको जो पेमेंट करना होगा वो, अगर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से करते हैं तो फिर 5 अप्रैल के रात के 12 बजे तक आप कर सकते हैं। अगर आप SBI चलन से करना चाहते हैं तो फिर 5 अप्रैल को 3 बजे तक, और पोस्ट ऑफिस से भी उतना ही समय रखा गया है, तब तक आप पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट के बाद ही आपका एप्लीकेशन पूरा होगा। और जो फाइनल सबमिशन है एप्लीकेशन का पेमेंट के बाद, वो आपको 12 अप्रैल से पहले करना होगा। और जो फर्स्ट स्टेज है ऑनलाइन टेस्ट Tier 1, वो जून से सितंबर 2019 के बीच में आयोजित की जाएगी। ओके, तो इसके लिए कितनी वैकेंसीज है ये आपको देख लीजिए। वैसे तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल ही जाएगा ये सब, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये जो वैकेंसीज है ये सिर्फ जो 12th पास है उनके लिए है, और जो ग्रेजुएट है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये जो 5 पोजीशन है उसके लिए ये इनिशियल सैलरी है। जूनियर क्लर्क, क्यूम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क, क्यूम टाइपिस्ट, जूनियर टाइमकीपर, ट्रेन क्लर्क, इन सब के लिए 19,900 रुपये इनिशियल पेमेंट है। और उसके लिए वैकेंसीज है जूनियर क्लर्क क्यूम टाइपिस्ट के लिए 4,390, अकाउंट क्लर्क क्यूम टाइपिस्ट के लिए 760, जूनियर टाइमकीपर के लिए 17, ट्रेन क्लर्क के लिए 592, और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए ज़्यादा वैकेंसीज है 4,940। और मतलब टोटल 10,628 इतनी वैकेंसीज है ये सब जो अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट है उसके लिए। और इसके लिए अगर आप 18 से 30 साल के बीच में है, 1 साल 2018 के बीच में, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले। अगर OBC में आते हैं तो 3 साल के लिए आपको ज़्यादा मिलेगा, मतलब 33 तक कर सकते हैं अप्लाई। और अगर आप SC ST से है तो फिर 35 ईयर्स के है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस डेट तक, 1/7/2019, मतलब 1 जुलाई तक, यह आप याद रखिए।
इसके अलावा ये जो वैकेंसीज है वो ग्रेजुएट लेवल की है। अगर आप ग्रेजुएट है तो ही इस वैकेंसीज को आप भर सकते हैं। इसके लिए 18 से 33 साल तक के जो कैंडिडेट है वो भर सकते हैं 1 जुलाई 2019 तक। और इसमें भी ओबीसी के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल के बढ़ोतरी है। ओके, एज में तो ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल क्यूम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क क्यूम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट क्यूम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, ये सब पोस्ट इसमें आते हैं। और उसके लिए जो इनिशियल पे है वो ज़्यादा रहेगा जो नॉन ग्रेजुएट की पोस्ट है उससे। तो इनिशियल पे भी दिया गया है ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए 25,500 है, गुड्स गार्ड के लिए 29,200 है, और वैकेंसीज भी गुड्स गार्ड के लिए अच्छी है 5,748। इसके अलावा सीनियर कमर्शियल क्यूम टिकट क्लर्क के लिए 5,638 वैकेंसी है, सीनियर क्लर्क क्यूम टाइपिस्ट के लिए 2,873 वैकेंसीज है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट क्यूम टाइपिस्ट के लिए 3,164 वैकेंसी है, सीनियर टाइम क्लर्क कीपर के लिए कम है, कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए भी कम है, पर स्टेशन मास्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होता है ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट में हमेशा सबका। इसमें 6,865 वैकेंसीज है। तो टोटल जो ग्रेजुएट्स है उनके लिए 24,649 वैकेंसीज है, और जो नॉन ग्रेजुएट की पोस्ट है सिर्फ 12th क्लास के ऊपर, उन्हें जो ग्रेजुएट है वो भी भर सकते हैं। ये भी आप याद रखिए। तो ये जो पोजीशन है उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा RRB की वेबसाइट के ऊपर, और उसके लिए जो फीस रखी गई है वो है 500 रुपये अगर आप जनरल या OBC से आते हैं तो। और इनमें से जो 400 रुपये है वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में अगर आप जो फर्स्ट स्टेज है कॉमन मतलब ऑनलाइन टेस्ट का प्रीलियम जिसे हम कहते हैं उसमें अपीयर होते हैं तो। और जो PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स है, उसके अलावा जो SC ST या माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से, उनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है, और ये पूरे 250 रुपये रिफंड मिल जाएंगे बैंक अकाउंट पे अगर जो प्रीलियम में अप्लाई अपियर्ड होते हैं तो। ओके, और ये जो EWS है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन, वो ये इस साल सबसे पहली बार लागू किया गया है, और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। इसमें जो कैंडिडेट्स SC ST या OBC में नहीं आते या दूसरे किसी भी रिजर्वेशन में नहीं आते उनके लिए है ये, पर उनके लिए उनके फैमिली का इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, और ये मतलब जितना भी इनकम है पूरी फैमिली का सब मिलाकर सैलरी से, एग्रीकल्चर से, बिजनेस से, प्रोफेशन से, कहीं से भी मिलने वाला वो 8 लाख से कम होना चाहिए एनुअल। और उसके अलावा प्रॉपर्टी का भी क्राइटेरिया रखा है, 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए, और अगर रेजिडेंशियल फ्लैट 1,000 स्क्वायर फुट या उससे ज़्यादा है तो भी इलिजिबल नहीं है, रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड या उससे ज़्यादा है नोटिफाइड म्यूनसिपालिटी में तो भी अप्लाई नहीं कर सकते, और रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड और उससे ज़्यादा है जो नोटिफाइड म्यूनसिपालिटीज़ के बाहर है मतलब छोटे शहर में तो भी आप इस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है।
ओके, तो ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल में दिया गया है। और इसके अलावा जो प्रीलियम की टेस्ट होने वाली है उसके लिए जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का रहेगा, मैथ्स 30 मार्क का रहेगा, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग ये 30 मार्क का रहेगा। ओके, और मतलब पूरे 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 1 मार्क हर किसी क्वेश्चन के लिए रहेगा, 100 मार्क का ये पेपर रहेगा। और इसके लिए टाइम का ड्यूरेशन है 90 मिनट्स, तो 1.5 घंटे का ये पेपर रहेगा जिसमें आपको 100 प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे, जीए के 40, मैथ के 30 और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30। और जो पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट्स है उनके लिए 120 मिनट, मतलब 30 मिनट ज़्यादा, 2 घंटे का टाइम रहेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, मतलब 1/3 मार्क्स हर किसी क्वेश्चन के आपके कम कम हो जाएंगे अगर आप कोई गलत आंसर टिक करते हो तो। ये सब आप नोट कर लीजिए। और इसका जो सिलेबस है उसमें कुछ चेंज नहीं है, ये हमेशा की तरह ही है, जो हमेशा रेलवेज़ की एग्ज़ाम्स में रहता है वो। उसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, और जो नए हैं उनके लिए, और जितना हो सके उतना सिलेबस में कवर करने की कोशिश करूँगा इस चैनल पे, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इन सब सब्जेक्ट्स का। ओके, तो आप वेट मत कीजिए कि कब एग्ज़ाम का के लिए डेट आएंगे क्या, वो जब आएंगे तब आएंगे, जब हॉल टिकट आएगा तब आपको पता चल ही जाएगा। पर आप पढ़ाई के लिए अभी से चालू कर दीजिए, और मैं लगातार वीडियो डालते रहूँगा मैथ्स के, रीजनिंग के और जनरल अवेयरनेस के, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। और आपको अगर कोई डाउट है, अगर कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि मुझे टॉपिक पढ़ना है, या फिर अबाउट के डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल भी दिया है, उसमें आप मेल भी कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए हो, या फिर मैथ, रीजनिंग या जीए का कोई टॉपिक पढ़ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ओके, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल स्टडी शार्प 360 को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो अगले वीडियो में हमारी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।